मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कहा नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। उन्होंने कहा स्कूल कॉलेज के आसपास छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिल रही है, यह हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है, इससे हमें युवा पीढ़ी को बचाना है। नशे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना है। उन्होंने कहा कॉलेज स्कूल के पास दुकानों में ड्रग्स की सूचना है। उन्होंने कहा इन्फॉर्मर सक्रिय कीजिए, ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, इसकी मैं लगातार समीक्षा करूंगा। इनको संरक्षण देने वाले कौन हैं, इनके तार कहां जुड़े हैं, जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करें। उन्होंने कहा ये अक्षम्य है, पहले चरण में अभियान चलाएं, एक से ज्यादा राज्यों से भी तार जुड़े हो सकते हैं, दूसरे चरण में कार्रवाई के बाद भी किसी जिले में ड्रग्स का अवैध शराब की बिकवाली होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। आरोपी पकड़े नहीं जाने पर SP थानेदार और ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, उन पर एक्शन होगा। हुक्कर लाउंज कई तरह की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हुक्कर लाउंज के नाम पर कुछ भी गड़बड़ हो ये हम होने नहीं देंगे, कहीं हुक्कर लाउंज ना चले तत्काल बंद हो। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती, स्कूल कॉलेज उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है, और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है, और इसकी मैं समीक्षा करूंगा। पहले चरण में मैं कह रहा हूं कई जगह अभियान चला है नहीं चला है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, कई जगह प्रभावी कार्रवाई भी हुई, लेकिन जड़ों पर प्रहार करना है। इनको संरक्षण देने वाले लोग कौन कौन है, इनके तार कहां से जुड़े, और जरूरत पड़े तो ATS और बाकी सबका उपयोग करें। यहां से ये जो बड़े माफिया होंगे जो इस तरह के चीजें चला रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने चाहिए। शिवराज सिंह ने कहा इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, इन्हें इनाम देंगे। शराब पीकर गदर करना, दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं निर्देश फिर दे रहा हूं कि दुराचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, तबाह करना है उन्हें। अपराधियों और दुराचारियों की कमर तोड़ने बुलडोजर भी लगातार चलता रहेगा। इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपकी भाषा में क्या कहते हैं जो खुफिया आपके लगाते हैं इन्फॉर्मर, सक्रिय कीजिए उनको। बीट व्यवस्था इसलिए है कि वहां से खबर दे दें कि यहां गड़बड़ हो रही है, मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है, मैं निर्देश दे रहा हूं कि दुराचारी किसी भी कीमत पर बक्से नहीं दिया जाने चाहिए, बुलडोजर बुलडोजर चलने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक तबाह नहीं करेंगे तब तक ये मानते नहीं है। अगर इतनी जरूरत करता है कोई कि बहन और बेटी के साथ दुराचार करे, रेप करे, तो तबाह करना है, तबाह छोड़ना नहीं है बिल्कुल, इस लायक ही नहीं रहने देना कि वो दोबारा इस बारे में सोचे। सीएम शिवराज ने कहा करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, सूची बनाएं, जरूरत पड़ने पर EOW के चापे भी पड़ेंगे, किसी को छूट नहीं है। स्वच्छ प्रशासन हमें देना है, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी पीठ भी थपथपाएंगे, लेकिन गड़बड़ करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाना भी अपराध है, इन सब का पहले से प्रावधान है, इसका प्रभावी उपयोग करें। उन्होंने कहा आप सबको हमारा दृष्टिकोण पता है, माँ बहन और बेटी के सम्मान के बारे में मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है, अगर कोई बहन बेटी के साथ दुराचार करे तो उसे तबाह करना छोड़ना नहीं है। ये अभिशाप पूरी तरह से
समाप्त करना है, ये जो एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। अब वहां से फिर निकलते हैं तो फिर घटना छेड़ा छेड़ी की और बाकी तरह की घटनाएं होती है। पी के वाहन चलाना भी अपराध है, तो पहले से प्रावधान है, हम लोग इसका प्रभावी उपयोग करें। पी के गदर करने का हक किसी को नहीं है। दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। उसके भावी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अपराधों पर कार्रवाई करें, लेकिन आप सबको हमारा दृष्टिकोण पता है मां बहन बेटी के सम्मान के बारे में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।